शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम और दिव्येंदु शर्मा स्टारर बत्तीगुल मीटर चालू आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है श्री नारायण सिंह ने, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी। और बत्तीगुल मीटर चालू में भी श्री ने एक सोशल मुद्दे को हाईलाइट किया है, वो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन। और इस मुद्दे को कैसे इस फिल्म में दिखाया गया है, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू। कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से शहर तेहरी में रहने वाले तीन पक्के दोस्तों नॉटी यानी श्रद्धा कपूर, एसके यानी शाहिद कपूर और त्रिपाठी यानी दिव्येंदु शर्मा की है। एसके जो एक छोटा मोटा वकील है, सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है, तो वहीं नॉटी एक ओवर द टॉप फैशन डिजाइनर है। वहीं त्रिपाठी एक प्रिंटिंग प्रेस का नया बिजनेस खोलता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले त्रिपाठी को बिजली विभाग हद से ज्यादा 54 लाख का बिल थमा देता है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद जब चीजें त्रिपाठी के फेवर में नहीं होती है, तब हार कर त्रिपाठी सुसाइड कर लेता है। और फिर अपने दोस्त को खो देने के बाद जागता है एसके का जमीर और फिर वो त्रिपाठी के लिए बिजली विभाग के खिलाफ केस लड़ता है। और कोर्ट में एसके का सामना होता है एडवोकेट गुलनार से, यानी यामी गौतम से। और फिल्म के एंड में जीत आखिर किसकी होती है, फॉर दिस यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। परफॉर्मेंस पर आए तो शाहिद कपूर ने करप्टेड लॉयर और फिर बाद में एक ऑनेस्ट लॉयर के बीच में जो बैलेंस बनाया है वो काबिले तारीफ है। शाहिद का एक ओवर कॉन्फिडेंट लॉयर के बाद एक मैच्योर और सीरियस लॉयर वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे देखकर समझ में आता है कि इन वेरिएशंस को बरकरार रखने में शाहिद ने कितनी मेहनत की है और इसमें शाहिद सक्सेसफुल भी हुए हैं। वहीं श्रद्धा कपूर ने एक पेपी और बबली लड़की के रोल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल थ्रू आउट द फिल्म। वहीं कभी अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले दिव्येंदु जब आपको रुलाते हैं वो काफी अमेजिंग है, उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में जान डालती है। वहीं सेकेंड हाफ के बाद यामी गौतम की एंट्री फिल्म में कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। वहीं बाकी स्टार कास्ट का काम भी ब्रिलियंट है। डायरेक्शन की बात करें तो छोटे छोटे शहरों को जिस तरह से श्री नारायण इतनी ब्यूटीफुली दिखाते हैं वो काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और इस फिल्म में उत्तराखंड की खूबसूरती का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक सोशल मुद्दे को सभी फ्लेवर्स के साथ पिरो के पेश किया है। इस फिल्म में कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है और एक सोशल मैसेज भी। हालांकि इस फिल्म की कमजोर कड़ी फिल्म की लेंथ है। फिल्म अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचने में बहुत देर लगाती है, जो थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो सकता है। वहीं फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है।